Sudhiti Naman. Today I am going to solve the true and false from exercise of chapter 2. So let's start. Question number V. Write T for the true statement and F for the false one. ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है. नंबर वन, द सॉर्ट बाय ऑप्शन इज यूज टू अरेंज द आइकन्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप बाय नेम, टाइप, डेट एंड साइज. इट इज़ ट्रू बिकॉज हम सॉर्ट बाय ऑप्शन का यूज़ करते हैं आइकन्स को प्रेजेंट करने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर. इसमें होते हैं हमारे नेम, टाइप, डेट और साइज. नंबर टू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ फॉल्स बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. नंबर थ्री, स्क्रॉल बार इज प्रेजेंट ऑन द टास्क बार. इट इज़ ऑल्सो फॉल्स बिकॉज स्क्रॉल बार राइट हैंड साइड पे होता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में. नंबर फोर, वी कैन नॉट चेंज द पिक्चर ऑन द वॉलपेपर. इट इज़ फॉल्स क्योंकि हम लोग अपने वॉलपेपर की पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स है. नंबर फाइव, GUI इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इट इज़ ट्रू बिकॉज GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होती है. ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे. योर टुडेज होमवर्क इज राइट द टी और एफ ऑन योर बुक एंड लर्न द true or false statement. Goodbye.